ना क्या, बाबा साहब का रक्त हमारे शरीर में दौड़ रहा है, इसी समाज में जन्मे बड़े हुए सारी चीज़ें, तो ये कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं है। ये तो बाबा साहब को, पूरी देश बाबा साहब को पढ़ना चाहता है, बाबा साहब को सुनना चाहता है, समझना चाहता है। ये इस देश की विडंबना है कि सब कुछ इसी देश के होने के बावजूद, बाबा साहब होने के बावजूद, इस देश के अंदर बाबा साहब का नाम इस तरह से लिया जाता है, उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं और पूरे विश्व के अंदर उनकी प्रतिमाएं लगाते हैं, उनका नाम लेके, ठीक है ना, अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि ऐसे महान आदमी की तरह आप लोग बने। और इस देश की विडंबना ये है कि यहीं के आदमी उन्हीं की मूर्ति तोड़ते हैं। तो इस चीज़ पर विषय पर चर्चा होनी चाहिए इस देश के अंदर इतने महान व्यक्ति के बारे में। और ये है कि बाबा साहब का रक्त हमारे खून में है, हमारे खून में है, उनकी जो चीज़ें हैं। तो प्रेरणा का स्रोत तो हमें बचपन से मिला, अपने पिताजी से मिला, अपने हमारे दादाजी से मिला, ये सारी चीज़ें, और बाबा साहब के साथ उन्होंने काम किया है। तो ये चीज़ लाजमी है कि हमारे अंदर, तो हमारे बच्चों के अंदर भी जाएगी ये सारी चीज़ें। अयोध्या वेद प्रकाश जी, आपने जो बाबा साहब का काम किया, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और आपने बहुजन समाज पार्टी के बड़े पैमाने पर काम किया है, अभी 4-5 साल में देखा गया है कि कहीं बाबा साहब की मूर्तियां बहुत बड़े पैमाने पर तोड़ी जाने, पहले कभी कभार देखा जाता था, तो क्या मायावती शासन में भी ऐसा हुआ था? नहीं, मायावती शासन में तो आप देखिएगा, शाह फासिरा बाबा साहब के बाद अगर किसी ने बाबा साहब का नाम रोशन किया तो साहब कांशीराम जी ने, और उस कारवा को लेकर चल रही हैं बहन कुमारी मायावती जी। आज पूरा इस भारतवर्ष को एक ताकतवर, जिसको कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर अगर कोई एक है तो बहन कुमारी मायावती हैं, जो इस एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिस पे पकड़ है, जो एक प्रशासन को चला सकती है, और बिना प्रशासन टाइट हुए ये देश नहीं चल सकता। और नहीं तो आप एक बारी उदाहरण है कि जब तक बहन कुमारी मायावती का शासन पूरे उत्तर प्रदेश में, 4 दफ़े मुख्यमंत्री रही, एक भी गुंडा राज और या गुंडे यहाँ से उत्तर प्रदेश शासन से निकल के चले गए हैं। और इस मिशन को, बाबा साहब के मिशन को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, आज बहन जी पूरे उसमें, पूरे देश में, पूरे तन बंधन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस महिला को, एक महिला इतना संघर्ष कर रही है, तो ये दायित्व होता है हमारे सभी समाज के लोगों का कि उसका कंधे से कंधे मिलाकर उसका साथ देना चाहिए। और उसको जो आयरन लेडी का दर्जा मिला, वो बिना उसके नहीं मिला है, वो काम करके दिखाया, उनका काम देखा है। पूरा वर्ल्ड ने जो आयरन लेडी का वो दिया है, विश्व में जो उनको ख्याति मिली है, वो बिना उसके नहीं मिली है, ये काम से बोलता है। बहन कुमारी मायावती का काम बोला है उनका। और आज हम भी साहब, ये हमारे जो, हमने बाबा साहब को तो नहीं देखा, लेकिन उनके किताबों से, उनसे जो प्रेरणा ली है, और फिर जो हमारे जो इस बाबा साहब को आगे लेके गए, हमें बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमने उस महामानव के साथ हमने काम किया और उनसे प्रेरणा ली और उन्हें समझाया कि भाई इस देश की व्यवस्था जो है, जब तक मनुवादी व्यवस्था रहेगी हमारा शोषण होता रहेगा, ये गरीब वर्ग है, बहुजन समाज का शोषण होता रहेगा, और जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी तो इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। तो लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस देश को, इस व्यवस्था को बदलना है, और जब व्यवस्था बदल जाएगी तो इस देश का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी कहाँ से आई हो आप? शाद्रा। शाद्रा से? तो आप यहाँ क्या करने आए हो? आज अम्बेडकर जयंती है, मुझे क्या पूरे देश को ये चीज़ पता होनी चाहिए? इसलिए नहीं कि मैं उन्हें मानती हूँ, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पूरे भारत देश के लिए संविधान लिखा है। और देश के लिए संविधान लिखा है, तो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा? महिलाओं के लिए संविधान में बाबा साहब ने बराबर की बात की है, जो हमारा आज भी समाज ये कहता है कि औरतें कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आज भी महिलाओं का इतना रेप हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है, हर घर में जाके देखें कहीं ना किसी रूप से उन पर अत्याचार हो रहा है। सिर्फ 4 औरतों के आगे आ जाने से ये नहीं कह सकते हम कि सारी देश की महिलाएं बराबर चल रही हैं, नहीं, हर कोई ये बोल देता है कि सारी महिलाएं हर किसी के बराबर हैं। हमारे पूरे भारत में आप एक उठाकर देखिए कितनी हमारी राजनीति पार्टी में महिलाएं आती हैं, हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं हूँ, हैं, लेकिन सिर्फ ना मौजूद, सिर्फ कितनी परसेंट, 2%। और जहाँ रिजर्वेशन की बात होती है, औरतों का रिजर्वेशन ले लो, सांसद में अभी तक उस पर कोई नहीं हुआ कि औरतों को रिजर्वेशन दिया जाए, उसे अभी तक पारित भी नहीं किया गया। लेकिन पूजा जी, वो रिजर्वेशन
तो दे दिया ना, आप सुबह शाम पाठ पूजा करो, देवी जी की पूजा करो, लक्ष्मी जी की पूजा करो, क्योंकि किताबों में लिखा है ये कि जो शिक्षा की जननी है वो सरस्वती है, धन की जो वो जो धन देती है वो लक्ष्मी है, उनकी पूजा करो। क्या जरूरत पड़ी है एजुकेशन लेने की? क्यों शिक्षा में अगर हम कह लें, आपने कहा देवी है, क्या शिव पुरुषनी है, क्या कृष्ण, उन्हें क्यों जरूरत है? वो भी तो भगवान के रूप में है ना, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, हनुमान। बहुजन समाज के लोग उन्हें भगवान नहीं मानते, वो इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने ना उन्हें देखा, ना किसी भगवान ने आके उनकी मदद की। मदद की किसने? इन्हें अम्बेडकर ने, उन्हें आके एक हक दिया, उन्हें जीने का अधिकार दिया। हमने देखा वर्ण व्यवस्था किसने की? मनु ने की, जिसे शायद आधे लोग भगवान मान के बैठते हैं, आधे लोगों। रामायण में आपने देखा, रामायण में एक लाइन लिखी हुई है कि औरतें और शूद्र सिर्फ दंड के लिए होते हैं, कि उन्हें सिर्फ मारा जाए, पीटा जाए। गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हाँ, यही यही लाइन ये किसने कहा? तुलसीदास जी ने। हाँ, अभी 6 महीने पहले एक अधिकारी है, उसने कहा था ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब पीटन के अधिकारी। लेकिन महिलाओं ने इनको नहीं बोला कि कोई महिला निकल के नहीं आई, उस अधिकारी को बंदी कराया। क्योंकि महिलाओं को लगता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें जो चल रहा है ठीक है चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि इस हालत के लिए कहीं ना कहीं महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, सिर्फ पुरुष नहीं है, महिलाएं भी जिम्मेदार हैं। कोई भी चीज़ प्यार से नहीं मिलती, हक कभी प्यार से नहीं मिला। क्या अंबेडकर ने अपना हक, आज जो हम यहाँ खड़े हैं सारे लोग जहाँ पर मिलके खड़े हैं, कहीं भी जाते हैं वहाँ कास्ट नहीं पूछी जाती, हम सब लोग वहाँ खड़े होते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? अंबेडकर क्या अंबेडकर ने संघर्ष नहीं किया था? अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज हर सेक्टर में औरत है, लेकिन हाँ फिर भी औरतों का शोषण हो रहा है, क्योंकि वो लड़ नहीं रही है। रीज़न ये है, और जहाँ लड़ती हैं वहाँ उन्हें आवाज़ दबा दी जाती है। आपने तो इतना संघर्ष किया था, आपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी, और बाबा साहब की जो पत्नी थी उनको भी बिगड़ दवाई के कारण उनको खोना पड़ा था। हाँ। लेकिन आज सभी समाज के लोग बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ अपनी रोजी रोटी को ज़्यादा कमा रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसका रीज़न है, आज कोई हर कोई 21वीं सदी में रहकर सिर्फ अपने लिए सोचता है। मैं ये कहती हूँ, अगर हम कोई भी, मैं एक दलित हूँ, अगर मैं किसी के सामने ये चीज़ जाके शो अप करूँगा, आपने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी होंगी जहाँ पे लिखा होगा गुजर जाट, इतने सारे गाने, लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ मैं दलित हूँ, तो वहाँ मुझे रिप्लाई ये मिलता है, क्या तू दलित है, अलग से देश। अभी एक दलित लड़की ने मतलब अवार्ड जीता, तो उसे वहाँ पर कमेंट किया गया एवी पे, क्या ये नया भारत बनने को जा रहा है, ये नया भारत बन रहा है क्या, ये दलितों का भाई कोई नया संविधान लिखा जा रहा है? भाई जब आप जाट और गुजर लिखते हो, क्या वहाँ जातिवाद नहीं होता? हर कोई ये चल देता है आरक्षण खत्म करो, क्या आप उस बीमारी की जड़ को नहीं खत्म कर सकते? जातिवाद, आरक्षण दिया गया जातिवाद के, तो उस जातिवाद के आधार पे तुम उस जाति को क्यों नहीं खत्म करते हो? आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहाँ माला चढ़ा देते हैं लेकिन उसके बाद अपना शुद्धिकरण करते हैं, क्यों? क्योंकि वो दलित थे, इसलिए। आज भी आप ज्यादा बड़ी नहीं, अक्षरधाम मंदिर देखा है आप? वहाँ जाइए, देखकर आइए। वहाँ पर 1857 में जिन लोगों ने युद्ध किया, जिन्होंने लड़ाई की, उनकी भी वहाँ पर प्रतिभा है, जिन लोगों ने बाद में किया। चलो ये तो बात की बात है, आज आप बाबा साहब का जन्मदिन मनाने आए हैं, और बाबा साहब, तो आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? आप लड़की हैं तो युवाओं से क्या अपील करनी चाहते हैं कि शिक्षा जरूरी है या पाठ पूजा जरूरी है? नहीं, शिक्षा जरूरी है, वो शिक्षा जो तुम्हें रोजी रोटी भी देगी और सही ज्ञान भी देगी, क्योंकि वो जो पुराने जो आप पढ़ रहे हो ना, उनमें आपके खिलाफ ही लिखा हुआ है, और जो चीज़ आपके खिलाफ है आप उसे पढ़ने की वजह वो पढ़ो जो आपके भविष्य में काम आए। एक औरत के पढ़ने से सिर्फ घर नहीं, दो परिवार नहीं, पूरा देश चलता है।